नीतिवचन अध्याय 14 नीतिवचन अध्याय 14 हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सीधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहां बैल नहीं वहां गौशाला निर्मल तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्टा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात न पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्ता छल करना है। मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है, और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों का घर विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है, और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हरेक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ पूछकर चलता है। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूढ़ डिढ़ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वह मूर्ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुगुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सन्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो बुरी युक्तियों निकालता है वे क्या भ्रम में नहीं पड़ेंगे, परंतु भली युक्तियां निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती रहती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुगुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्ता निरी मूर्ता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है, और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहां प्रजा नहीं वहां हकीम नाश हो जाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है और मूर्ता की बढ़ती करता है शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि बास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतकाल में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है।